ध्यान रखने योग्य 42 जरूरी बातें। नंबर एक, अगर ज़्यादा टेंशन की वजह से आपका मन भारी हो रहा है तो चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ तुरंत खा लें, जल्दी आराम महसूस होगा। नंबर दो, ज़्यादा सोचने या टेंशन लेने से चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। नंबर तीन, तकिए के कवर को हफ्ते में एक दो बार जरूर धोएं, इससे सिरदर्द और छाइयों की समस्या नहीं होती। नंबर चार, लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करने से बाल कम टूटते हैं और मजबूत रहते हैं। नंबर पाँच, आलू का छिलका आपकी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है, इसे लगाने से आपकी काली पड़ी त्वचा का रंग सुधरने लगता है। आलू के छिलके को फेंकें नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करें। नंबर छः, यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोज़ाना खाना खाने के बाद गुड़ को चूसना ना भूलें, ऐसा करने से छाले नहीं होंगे। नंबर सात, खाना खाने के बाद नहाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। नंबर आठ, पतली छाछ में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। नंबर नौ, अगर काम करते समय नींद या सुस्ती आने लगे तो अदरक वाला पानी पिएं। नंबर दस, किसी भी जूस को ज़्यादा देर तक रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे जूस का स्वाद कड़वा हो जाता है और शरीर को नुकसान भी पहुँचता है। नंबर 11, मछली का तेल लगाने से नज़र तेज होती है। नंबर 12, गाजर और चुकंदर का जूस पीने से आँखों की रोशनी तेज होती है और खून की कमी भी दूर होती है। नंबर 13, लेट कर या खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीने से होने वाले घुटने के दर्द का इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। नंबर 14, नीम के पत्तों का अर्क पीने से पेट साफ रहता है और कभी एलर्जी की दिक्कत नहीं होती। नंबर 15, रोज़ाना एक खीरे का सेवन जरूर करें, इससे दिल की धड़कन सही चलती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 16, आंसू रोकने से सिरदर्द, गुस्सा और ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। नंबर 17, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से इंसान जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। नंबर 18, रात की बची हुई रोटी को फेंकें नहीं, बल्कि सुबह के समय खा लें, रात की बची रोटी खाने से बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 19, बवासीर की समस्या होने पर रात को सोने से पहले 10 से 12 किशमिश को थोड़े से पानी में भिगो दें और सुबह उठकर खाली पेट किशमिश को पानी के साथ ही खा लें। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से आपकी बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। नंबर 20, ज़्यादा गर्म चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, हमेशा हल्की ठंडी चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए। नंबर 21, अगर जल्दी बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पिएं, इससे चेहरे पर चमक आती है। नंबर 22, दूध के साथ खटाई या नींबू नहीं खाना चाहिए, यह बहुत ही नुकसानदायक होता है, दोनों का एक साथ सेवन करने से एसिडिटी हो सकती है। नंबर 23, सुबह खाली पेट दालचीनी की खुशबू सूंघने से दिमाग तेज होता है। नंबर 24, बादाम के तेल से सर की मालिश करने से दिमाग तेज होता है, साथ ही बाल लंबे और मजबूत होते हैं। नंबर 25, नियमित योगा करने से शुगर और पेट की कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। नंबर 26, रोज़ाना रात को 5 से 6 बादाम, 10 से 8 किशमिश और 2 अंजीर को 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट धीरे धीरे चबाकर खाएं और थोड़ी देर बाद हल्का गर्म दूध पिएं, इससे दिमाग तेज होता है और शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 27, अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो 2-3 काली मिर्च के दाने पानी के साथ खा लें, शरीर के दर्द में राहत मिलती है। नंबर 28, 1 चम्मच खीरे का रस और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 29, दही और शहद को मिलाकर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियाँ कम होती हैं। नंबर 30, तेज मसालेदार और चिकनाई युक्त चीज़ इंसान को बीमार कर देती है, इसलिए इन चीज़ों का कम से कम सेवन करना चाहिए। नंबर 31, रात के भोजन में और सोने के बीच
कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। नंबर 32, रोजाना एक छोटी इलायची जरूर चबाया करें, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। नंबर 33, बाथरूम के अंदर बोलने से बहरेपन की बीमारी होती है। नंबर 34, अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस होती है तो सलाद में चुकंदर का सेवन जरूर करें। नंबर 35, दूध के झाग को होठों पर लगाने से होठ फटते नहीं हैं। नंबर 36, बासी थूक को धीरे धीरे आँखों के आसपास लगाने से कुछ दिनों में काले घेरे दूर हो जाते हैं। नंबर 37, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से हाजमा ठीक रहता है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर 38, पेट में दर्द की समस्या है तो अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से पेट दर्द में राहत मिलती है। नंबर 39, पैरों पर वजन डालकर खाना खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है, क्योंकि ऐसे बैठने से सीधा दिमाग पर असर पड़ता है। नंबर 40, अगर दिमाग की कमजोरी है तो देसी घी की मालिश करें, इससे दिमाग को ताकत मिलती है। नंबर 41, अगर चेहरे पर चेचक, छोटी माता या फुंसियों के दाग रह गए हैं तो 2 पिसे हुए बादाम, 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच सूखे संतरों के छिलके का पाउडर मिलाकर चेहरे पर धीरे धीरे मसाज करें और सूखने के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। ऐसा लगातार करने से कुछ ही दिनों में दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। नंबर 42, पैसे से दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं, इसलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।